दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक रेडियोलॉजी इसमें सबसे पहले नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज द इमेजिंग इन द एक्यूट ऑफ डामिनल कंडीशन क्यूर एफ कंडीशन ये हैं कि पेशेंट आपके पास आया है और उसके उसकेमिन के अंदर मसला चल रहा है कोई ना कोई पेन के साथ आ रहा है कॉन्स्टिपेशन के साथ या कोई भी ठीक है तो फिर हमने क्या करना है उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है एग्जामिनेशन करने के बाद ऑब्वियसली हम उसके एबडामिन के लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो करेंगे तो सबसे पहले तो हम इनिशियल टेस्ट करते हैं इनिशियल टेस्ट मैंने आपको कौन से बताए थे अल्ट्रासाउंड एंड एक्स तो अल्ट्रासाउंड हम सबसे पहले करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि को कोलिसटाइटस तो नहीं है बिल रिकॉलिक रीनली कॉलिक ओवियनसिस हमें डिटेक्ट हो जाएंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हमें डिटेक्ट हो जाएगी पेंक्रेटाइटिस के लिए एसाइटिस और एपसिसिस के लिए फिर दूसरे मैंने आपको क्या बताया एक्सरे चेस्ट एक्सरे एक्सरेपडमिन एक्सरे चेस्ट हम इरेक्ट पोस्टर पे करवाते हैं उसमें हम डायफ्राम के नीचे एयर देख लेते हैं जो मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी फिर एक्सरे एक्सरेपडिन सुपाइन कर लेते हैं उसमें बाउल को देख लेते हैं वो डायलेटेड तो नहीं है उसमें इंटेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है फिर हम सी स्कैन करवा लेते हैं स्वीयर पेंक्रेटाइटिस के लिए डिबर्टिकुलाइटिस के लिए स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और बाउल इन्फ्रॉक्शन के लिए फिर हम फोकस सीटी स्कैन करवाते हैं अगर कंट्रास्ट uh, से एलर्जी है तो फिर और आई यूरोग्राफ़ी आई वी यूरोग्राफी जो है ये हमारी ऑब्स्ट्रक्शन को डिटेक् कर लेगी कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है इसके अलावा जो एडिशन टेस्ट होते हैं क्यूडेप डामिन के लिए वो आपने याद रखने हैं कि इमेजिंग टेस्ट हैं सीरम एम एमाले, आई लज है कार्डिक इन्जाइम्स हैं ई सी जी है और तो, टी एल सी है ये हमारे क्यूडेप डामिन के लिए हेल्पफुल होते हैं फिर इमेजिंग एंड ट्रामा आ जाता है कि एक पेशेंट आपके पास हैड इंजरी के साथ आया तो हमने सी टी स्कैन उसका कवर्डवाइज़ करना है तो ये आपको मैंने पहले यू क्यू करवा दिया कि अगर उसका ग्लास्कोकोमा स्केल जो है वो लेस दैन थर्टीन या टेनि पॉइंट है जैसे हमने कि डिस्कस किया था उसमें उसका ग्लास को कॉमन स्केल सेवन पे गया हुआ था तो हमने जरूर उसका सी टी स्कैन करवाना है इसी तरह जी सी एस उसका जो है वो थर्टीन और फोर्टी एट टू आवर्स फिर भी हमने करवाना है इसी तरह फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साइंस आ रहे हैं मतलब उसकी कोई लिम मूव नहीं कर रही है इस तरह से तो हमने ज़रूर करना है इसी तरह उसको कोई फ्रैक्चर हमें लग रहा है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है ओपन फ्रैक्चर है जैसे हमने यूक्यू में डिस्कस किया था कि उसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर था तो हमने सी टी स्कैन एडवाइस किया था उसको वॉमिटिंग के वन से ज़्यादा एपिसोड आ गए हैं इसी तरह उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने मस्ट याद रखना है फिर माइल्ड हेड इंजरी इन एल्डरली पेशेंट्स अगर बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं और उनमें हल्की सी भी हेड की इंजरी हुई है ना आपने ज़रूर ज़रूर उनका सी स्कैन करवाना है इसी तरह उसकी बहुत बुरे तरीके से जो है ना इंजरी हुई है लाइक वो जो है ना पैदल चल रहा था और किसी ने आकर टक्कर मार दी या फिर वो साइकिल चला रहा था या बाइक बाइक चला रहा था उसको आकर किसी ने टक्कर लगा दी और वो गिरा तो आपने ज़रूर उसका सीटी स्कैन करवाना है सर का फिर अगर वो अगर जो है ना वो पांच स्टेयर से गिरा है या वन मीटर से ज़्यादा का उसका ऊपर छत से गिरा है तो आपने ज़रूर उसका सीटी स्कैन करवाना है इसी तरह वो किसी व्हीकल से जो है ना इतनी ज़ोर से उसको आके लगी कि के वो उड़ के उधर गिरा तो उस आपने ज़रूर सी स्कैन करवाना है इसी तरह अगर वो बेहोश है मतलब बेहोश नहीं अहम नज़्या मतलब वो हर चीज़ भूल गया और तीस मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया उसके सामने उसके बच्चे खड़े हैं उसको अपने बच्चों के नाम ही नहीं याद आ रहे तीस सेकंड से तीस मिनट से ज़्यादा हो गया इसका मतलब आप आपने ज़रूर सी टी स्कैन करवाना है कोई अंदर मसला चल रहा होगा कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ ना कुछ हो रहा होगा तो आपने किसको देखना है जी सी एस को आपने उसकी वॉमिटिंग को देखना है आपने उसकी जो है वो देखना है कि वो किस तरह से गिरा उसका ट्रामा की कंडीशन क्या थी किस चीज़ से उसकी टक्कर हुई जिसकी वजह से वो ऊपर से तो नहीं गिरा उस वो, वो से तो नहीं गिरा कितना गिरा और आ, उसकी उम्र कितनी है इसी तरह आपने देखा कि उसको फ्रैक्चर तो नहीं हुआ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं है एमनीजिया तो नहीं है उसकी बेसिस पे आपने सी टी स्कैन करवाना है फिर अगर चेस्ट ट्रामा का पेशेंट है तो आपने क्या करवाना है ऑब्वियसली आपने चेस्ट एक्सरे करवाने हैं सुपाइन ब्लैटरल उसमें आपने देखने को रिब फ्रैक्चर तो नहीं है न्यूमोथॉरक्स तो नहीं है हीमोथॉरक्स तो नहीं है फिर आप जो है रेडियोग्राफ चेस्ट एक्सरे करवाने के बाद ये सारा कुछ करवाने के बाद सी टी स्कैन करवाओगे अगर आपको जो है वो वाइटिंग ऑफ मीडिया स्टैंड नज़र आते सीटी तो सी टी चेस्ट करवा लोगे तो चेस्ट ट्रामा में दो ही हैं रेडियोग्राफ और सी टी चेस्ट ऑब्वियस अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे क्योंकि अल्ट्रासाउंड में एयर नजर नहीं आती फिर अब डोमिनल ट्रामा के केस में हम क्या करवाएंगे एक्सरे चेस्ट इरेक्ट पोस्टर जिसमें हम एयर डिटेक्ट कर लेंगे और पॉपुलेशन को डिटेक्ट कर लेंगे और फास्ट अल्ट्रासाउंड आपका होता है ये हम पढ़ेंगे ए टी एल एस के चैप्टर में और डायग्नोस्टिक पैरिटोनियल रिवाज हम ए टी एल एस के चैप्टर में पढ़ेंगे अगर अल्ट्रासाउंड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ठीक है अगर आपको जो है अल्ट्रासाउंड पर कोई नजर आता है कि कोई ना कोई मसला चल रहा है अब के अंदर फिर आपने सी टी स्कैन की तरफ जाना है जो कि हीमोडायनेमिकली स्टेबल होंगे उनके अंदर लेकिन अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है फिर आपने सि टी स्कैन नहीं करवाना जल्दी जल्दी पेट को खोलना है और सर्जरी सर्जरी करके देखना है के अंदर क्या मस्त है तो अपडाउनल ट्रामा में एक्सरे चेस्ट हो गया रेड पोस्चर और इसके अलावा फास्ट अल्ट्रासाउंड हो गया डायग्नोस्टिक पैराटोनल लेवाज हो गया और उसके बाद आपका एम आर आई सॉरी सी टी स्कैन हो गया सी टी स्कैन आपने कब करना है और कब नहीं करना सर्जरी करनी है या मैं आपको बता दिया उसके बाद पेल्विक ट्रामा के साथ पेशेंट आता है आपने जल्दी जल्दी उसके एक्सरे लेटरल व्यू लेना है अगर पेशेंट हिमोडनिम के लिए स्टेबल है ठीक है अगर फिर आपने सी टी स्कैन ऑफ द पेल्विस लेना है ताकि आप देख सकें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है और ये सारी डिटेल लेने के लिए फिर आपने जो है वो रीनल ट्रामा के केस में क्या करना है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करना है या सि टी स्कैन एब्डोमेन करना है और फिर आपने क्या कर लेना है अगर आपके पास सी टी स्कैन नहीं है तो आप आई यूरोग्राफी कर लोगे ओके सो इमेजिंग इन द एक्यूट एपडमिनल कंडीशन सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ थर्टी इयर्स ओल्ड मैन एमरजेंसी में आया क्यूर एपडामिन के साथ आपने रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बतानी है और मैंने आपको सारी बता दी है कि आप तो अल्ट्रासाउंड कर लोगे उसमें आपको साइटिस वगैरह नज़र आ जाएंगी फिर आप जो है एक्स्ट्रा चेस्ट इैक्ट कर लोगे इसमें आपको एयर अंडर डायफ्रेट नज़र आ जाएगा एक्सरे आप सुपाइन कर लोगे उसके बाद आप सीटी स्कैन करवा लोगे विच इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसके अलावा आई व्योग्राफी करवा लोगे सी एम एम एल एज ई सी जी कार्डिक इन्जाइम्स और टी एल सी करवा लोगे एम एल एस लेवल करवा लोगे ताकि पेक्राटाइटिस को रूल आउट किया जा सके ये सारे और फोकस सी टी स्कैन भी एक होता है मैंने आपको बताया वो तब करते हैं जब कंट्रास्ट से एलर्जी हो ये सारा हो गया उसके बाद नेम द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट एग्जिबिट्स द क्लॉ साइन तो क्लॉ साइन हमने पता ही याद है सिस्टेमिक सर्जरी में कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है एक तो आ, जो है क्लॉ साइन जो है ना इंटरसेप्शन में पड़ा हुआ है तो इंटरसेप्शन जो है ना ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्लॉ साइन होता है और उसको हम किस तरह से देख सकते हैं बेरियम एनिमा के थ्रू ये मुझे इंटरसेप्शन का चैप्टर पढ़ा था ना उसमें टॉपिक पढ़ा था जी में लोअर जी में तब मैंने आपको वहाँ पर इसकी पिक्चर दिखाई थी अगेन आई विल नॉट शो तो पैथोलॉजिकल कंडीशन इज इंटरसेप्शन एंड रेडियलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इज बेरियम एनीमा उसके बाद थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है टू डेज हिस्ट्री है कॉली की एबडामिनल पेन वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन की उसके लिए प्रोटमी हुई थी दो साल पहले फॉर द टाइफॉइड परफोरेशन अब वो डिहाइड्रेटेड है एबडामन उसका डिस्टेंडेड है तो ये सारा कुछ तो अब हमने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है आपको समझ आ रही है कि यार उसके एबडामिन में मसला चल रहा है तो आप क्या करवाओगे एक्स्ट्रे एबडामिन इन द सुपॉइंट पोजिशन करवाओगे इसमें आपको क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिलेंगी आपको डायलेटेड गर्ट लूप्स मिलेंगी ठीक है क्योंकि उसको जो है ना परफ्रेशन उसको जो है ना सॉरी पर्फरेशन है ना तो पर्फरेशन में आ, क्या होता है आ, जो है ना इस तरह से आ, जो है ना होगा आ, मतलब कि उसकी ऑब्सट्रक्शन है ना तो अब क्या होगा उसके डायलेटेड गट लूप्स होंगे हॉस्ट्रेशन उसकी क्योंकि डायलेट हो गई ना गट लूप्स तो हॉस्ट्रेशन जो होंगी ये वाली ये स्पेस्ड हो जाएंगी मतलब अब दूर दूर चली जाएंगी और फिर उसकी हमें डायफ्राम के नीचे एयर मिल सकती है डबल बबल अपेरेंस मिल सकती है और जिसमें स्टमक और प्रॉक्सिमल डिटिनम जो होता है वो डिस्टेंडेड होता है फिर पॉजिटिव फाइंडिंग्स मैंने आपको बता दी उसके बाद आप किस तरह से डिफ्रेंशेट करोगे कि जजिनम है ईलियम है या कोलॉन है बताती हूँ सो so, uh, ये हमने सिस्टामिक सर्जरी में भी देखा था कि किस तरह से ये नज़र आते हैं तो uh, जो हमारे होते हैं जै, जजनम Uh, वो हमारा जो है वो उसमें होती हैं बेलब्यूली कन्वेंटिस जो कि लार्ज और थिक होती हैं और वो हमारी फैदरी अपेरेंस दे रही होती हैं और एलियम जो है ये आपको पता है कि इसमें ना वो होता है फ़ीचरलेस होती है ये ये हमें मतलब इसमें कोई फीचर ऐसच नहीं होती और उनके साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाते हैं और मतलब ऐसाच कोई फीचर नहीं होता और जो कॉलन होता है उसमें आपको पता है कि हॉस्ट्रेशन्स होती हैं ऐसे करके ना कॉलन के अंदर हॉस्ट्रेशन्स होती हैं ये वाली इनको कहते हैं लाइन्स करके ना लंबी लंबी उनको कहते हैं तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं इनको और इनकी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई थी इन द सिस्टमिक सर्जरी फिर उसके बाद आता है पेशेंट एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ डिस्टेंशन वॉमिटिंग के साथ आ रहा है इमरजेंसी में तो आप कौन सी इमेजिंग करवाएंगे तो डायग्नोसिस पर अल्ट्रासाउंड वही वाली है एक्सरे सी स्कैन और आई वी यूरोग्राफी सी कार्डिक मार्कर्स टी और सी एम एम एल एज यहाँ पर मैंने लिखा हो जो हमारी होती हैं ड्यूडिनम वो जो है हमें किस तरह से नज़र आती हैं और ये सारे डिटनम हमें स्ट्रेट नज़र आती है सेंटर में होती है ट्रांसफर्स होती है बिल्कुल सीधी और जो जजनम होती है उसमें वेलब्यूली कॉन् होती हैं जो कि रेगुलर होती हैं और जो आई एलियम होती है वो फीचरलेस होती है कॉलन जो है वो हमें हॉस्ट्रेस उसमें नज़र आ रही होती हैं और सीकम जो होता है वो राउंड गैस शेडो नज़र आ रहा होता है इन द राइट इलियक फोसा तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये कौन सा पार्ट है इंटेस्टाइन का नेक्स्ट न्यूक्लियर मेडिसिन से कुछ यूक्यूज आए हुए हैं इसको हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं फिर हम देख लेते हैं फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा रेडियोलॉजी सो न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करते हैं कि अब जो है ना डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिज़ीज़ के लिए इसका बहुत ज़्यादा रोल हुआ हुआ है इसमें हम क्या करते क्या है क्या यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है ना पेशेंट को देते हैं जैसे हमने पीछे कंट्रास्ट दिए थे ना पेशेंट को आई या फिर इस तरह से इस तरह हमारा ये होता है रेडियो एक्टिव मटीरियल या इंजेक्शन की फॉर्म में हम दे देते हैं या पेशेंट को कहते हैं सॉलो कर लो या इनहेल कर लो अब होता क्या है कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल जब हम पेशेंट के अंदर डालते हैं किसी भी फॉर्म में तो वो हमारे जो है उस स्पेसिफिक टिशू में चला जाता है जहाँ पर जाके वो रेडिएशन िट करना शुरू कर देता है जिसको हम गैमा रेज कहते हैं अब वो जो गैमा रेज होती है ना उनको हम कैमरा के थ्रू जो है ना डिटेक्ट कर लेते हैं उसको गैमा कैमरा कहते हैं और वो जो गैमा कैमरा होता है वो जो गैमा रेज होती हैं उनकी एक इमेज बना देता है तो इस तरह से जो है ना ये सारा काम करता है अब जो है ना अब टेक डिपेंड करती है कि हमारा जो स्पेसिफिक टिश्यू है उसकी नेचर कैसी है फॉर एग्जांपल हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे ना तो आपको पता है आयोडीन कौन सी हमारी बॉडी का पार्ट लेगा थायरॉयड ग्लैंड इसी तरह हम थेलियम देंगे ना तो वो हमारी हार्ट की जो मायोकार्डियम वाली लेयर है ना वो ले लेगी थैलीम स्कैन हमारा हो जाता है इसी तरह बोन्स जो होती हैं वो टेक्नीशियम 99 को ले देती हैं तो स्पेसिफ़िक हर बॉडी का पार्ट जो स्पेसिफिक रेडिएशन जो होती है ना उसकी चीज़ को लेता है जिसके लिए वो बना होता है तो न्यूक्लियर मेडिसिन जो है ये डन इनसाइड आउट होती है एंडो रेडियोलॉजी होती है क्योंकि ये रेडिएशंस को जो है ना डिटेक्ट करती है जो कि हमारी बॉडी की अपनी बॉडी के हिस्से जो है ना इमेट कर रहे होते हैं रादर देन द एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक एक्सरेज तो इससे हम होता है कि हमारी बॉडी अपनी जो है ना वो रेडिएशन्स बनाती है फिर तो अब जो है हमारी आ, आ जाती हैं कि इसमें फंक्शनल इन्फॉमेशन इतनी ज़्यादा हमें नहीं मिलती एनाटमिकल बेस्ड होती है ये अब इसमें आपने जो यू में याद रखना है ना न्यूक्लियर मेडिसिन के वो ये हैं कि थायरॉयड स्कैन के लिए हम आयोडीन देते हैं बोन स्कैन के लिए टेक्नीशियम नाइन्टी नाइन देते हैं वो एग्ज़ाम्पल्स आपसे पूछते हैं आपने एग्जाम्पल्स लिखते नहीं होती हैं रीनल स्कैन के लिए वी हैव द डी टी पी ए के लिए वी हैव द थेलीम स्कैन और हाइड्रा स्कैन होता है फॉर द हेपेडोबिलिट्री तो इसी तरह हमारी टोमोग्राफी होती है पी जो कि अब एक्सटेंशन है इसकी और आपको पता है कि इसमें हम पूरी बॉडी की जो है ना इमेज ले लेते हैं मैंने आपको ये दिखाया हुआ है बहुत सी सिस्टामिक सर्जरी की जो डिजीजेज़ थी उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि कैंसर्स की डिटेक्शन के लिए हम पूरी बॉडी का एक स्कैन ले लेते हैं डेविडसन की पिक्चर में भी आपको दिखाई हुई है उसमें आपको पता चल जाता है कि बॉडी में कहाँ कहाँ कैंसर की मेटेस्टिस हुई हुई है तो उसके लिए हमारे पेट स्कैन जो होता है पॉजिटिव निमेशन टोमोग्राफी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अब इमेजिंग की हेज़र्ट्स क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता है कंट्रास्ट मीडिया जो होता है ये एलर्जिक करेक्शन करवा सकते हैं नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है इसी वजह से हमने क्या करना होता है कि बिफ़ोर इंजेक्टिंग एनी कंट्रास्ट इन द बॉडी हम बॉडी के पेशेंट की जो रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लेते हैं तो ये एक होता है इसी तरह आपको बता रहे है। लारा प्रिंसिपल या आपने कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा होगा कि इट इज़ नॉन एज एज लो एज़ रीज़नेबली अचीवेबल जो है ना रेडिएशन मतलब हमने बॉडी को इतने रेडिएशन देना है कि वो बॉडी उसको विट स्टैंड कर सके जो है ना वो आ, जो है वेट स्टैंड कर सके और आ, मतलब वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल बॉडी के लिए ना हो ठीक है तो न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो दूसरी इमेजिंग के कैसे डिफ्रेंशिएट है कि ये फंक्शनल इंफॉर्मेशन देती है ठीक है फंक्शन हमें बताती है थायराइड कितना फंक्शन कर रहा है मैंने गलत बोला था थायराइड कितना फंक्शन कर रहा है बोन कितनी फंक्शन कर रही है और किडनी कितनी फंक्शन कर रही है हार्ट कितना फंक्शन कर रहा है ये फंक्शनल स्टेटस बताता है एज वेल एज एनाडमिकल फंक्शनल स्टेटस बताता है ये आपने याद रखनी है पॉइंट Uh, क्योंकि मतलब जिस स्पॉट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा वहाँ से रेडिएशन इमिट होंगी और हमें पता चलेगा कि थायराइड कितना काम कर रहा है आयोडीन देंगे वो ज़्यादा लेगा इसका मतलब थायराइड की एक्टिविटी ज़्यादा हुई हुई है इस तो इसलिए हमें पता चलता है कि फंक्शनल टेस्टेट क्या है बॉडी का ठीक हो गया इसके आगे वाला जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बस यहाँ तक आपने करना था इस चैप्टर को न्यूक्लियर मेडिसिन से देखें कौन से यूक्यूज आए हुए हैं वट इज़ रेडिएशन रेडियो न्यूक्र्यड इमेजिंग तो आपने बता देना है कि इट इज़ एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ़ द इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑप्टेंड बाई कैमराज द डिटेक्ट द रेडियोटिव इमिशन ऑफ इंजेक्टेड रेडियो न्यूक्टाइड एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली बाई थ्रू आउट द बॉडी आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि रेडियो न्यूक्ड इमेजिंग में हम क्या करते हैं बाहर से रेडियो एक्टिव मटीरियल देते हैं वो बॉडी में जाता है स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक टिशू का जिसके लिए वो बना होता है जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी वहाँ पे जाएगा वहाँ पे गैमा रेज इन्वेट करेगा उस टिश्यू के अंदर जाके और उसको गैमा कैमरा के थ्रू हम कैप्चर करते हैं वो इमेज क्रिएट करता है इस तरह से ये वर्क करता है तो रेडियो न्यूक्लियर इमेज का ये काम है और अपने बताने फंक्शनल स्टेटस बताता है हम इसमें जो रेडियोटिव मटीरियल होता है उसको इंजेक्शन की फॉर्म में स्वेलिंग या इन्हेलेशन की फॉर्म में देते हैं फिर फॉर एग्जाम्पल्स आपने बता देनी है कि हाइडा स्कैन होता है फॉर द दैटोबिलिटी ट्रीट थालियम फॉर द मायोकार्डियम बोन स्कैन के लिए टेक्निक ियम आयोडीन है हमारे थायराइड के लिए डीटीपीए जो है वो हमारे रिनल स्कैन के लिए तो ये सारा हो गया उसके बाद फोर कॉमनली यूज ट्यूमर मार्कर्स एंड द ट्यूमर्स फॉर विच दे आर यूटिलाइज तो ये आप अपने से भी लिख सकते हो ये हम ऑनकोलॉजी के चैप्टर में देखेंगे अल्फा फीटो प्रोटीन होता है फॉर एग्जाम्पल हेपाडोसेलोर कार्सनोमग्रिटेक्शन के लिए सी ए वन ट्वेंटी फाइव ओरियन कैंसर के लिए सी ई ए कोलॉन के लिए प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन होता है प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए तो ये हमारी चीज़ हो गई उसके बाद आता है यू क्यू थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड हाउस मेड है उसको टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर है इसके लिए हमने थायरॉयड स्कैन करवाया है तो कौन से रेडियो न्यूक्ट स्कैन और हैं तो आपने बता देने हैं लिवर के लिए हाइडर स्कैन है हार्ट के लिए थैलियम है बोन के लिए टेक्नीशियम है नाइन्टी नाइन औरिजिनल के लिए डी है टू मेरिट्स आपने बताने हैं टू डी मेरिट्स बताने रेडियो न्यूक्इड स्कैनिंग की तो आपने बताने हैं मेरिट्स फ़ायदे क्या हैं कि पेट स्कैन फॉर एग्जांपल है तो उसके हम पूरी बॉडी में मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर चेक कर सकते हैं इसी तरह मेरिट्स क्या है कि फंक्शनल स्टेटस बताता है किसी भी ऑर्गन का फंक्शनल स्टेटस बताता है इसके अलावा इमेजिंग ऑफ होल बॉडी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसके नुकसान क्या है डीमेरिट्स क्या है कि स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं फॉर द स्पेसिफ़िक इंडिकेशंस मतलब ये कि थायरॉयड के लिए हम आयोडीन ओडी यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा हम कोई और यूज़ नहीं कर सकते और उसकी कोई और डिटेक्शन नहीं हो सकती तो स्पेसिफिक मटीरियल स्पेसिफिक रेडिएटिव मटीरियल फॉर स्पेसिफ़िक टिशू है दूसरा इसका नुकसान क्या है कि पूर रेजोलूशन होती है नॉन स्पेसिफिक रिजल्ट होते हैं कभी कभार हमें अब नॉर्मल रिजल्ट भी मिल सकते हैं तो ये इसके दो डीमेरिट्स इज इसके मेरिट्स ही मेरिट्स हैं तो ये हमारा था ऑल अबाउट द रेडियोलॉजी चैप्टर आई होप आपको समझ आई होगी एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स यूक्यूज जो कि मैंने आपको साथ में डिस्कस कर दिए हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा हमने अल्ट्रासाउंड पढ़ा सबसे पहले हमने देखा कि वो किसके लिए यूज़ होता है उसके फायदे क्या हैं नुकसान क्या हैं और इसके अलावा आपने डॉपलर को याद रखना है उसके डिफरेंट फॉर्म्स याद रखनी है फिर हमने जो एक्स रेज पढ़े उसमें हमने उसके फायदे देखे हमने फ्लोरोस्कोपी पढ़ा उसमें कंट्रास्ट एक्स पढ़े हमने बेरियम स्टडीज़ हमने डिफरेंट काइंड पढ़ी उसके बाद हमारी जो मेमोग्राफी हमने पढ़ी उसके स्टेप्स पढ़े उसके फ़ायदे पढ़े नुकसान पढ़े और उसके बाद हमने उसकी बायराड स्कोर पढ़ा सी स्कैन हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि उसका मैकानिज़म ऑफ एक्शन क्या है उसके यूज़ेस क्या हैं और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या है सी टी एनजोग्राफ़ी है एम आर आई हमने पढ़ा जिसमें हमने उसकी मेकानिज़म ऑफ एक्शन पढ़ा कि किस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं टी वन टी डब्ल्यू हमने पढ़ी उसमें डिफरेंस पढ़ा और फिर हमने एडवांटेजेस पढ़े सी टी स्कैन के और फिर हमने उसके लिमिटेशन पढ़ी काउंटर इंडिकेशन पढ़ी फिर हमने क्यू डब्ल्यू कॉमन कंडीशन के लिए जो हम चीज़ परफॉर्म करते हैं वो पढ़े दैन वी डिस्कस्ड अबाउट द इमेजिंग इन द ट्रामा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसमें से जो आपने चीज़ याद रखनी है वो हेड इंजरी के जो कब आपने सी टी स्कैन करवाना है उसकी इंडिकेशन आपने जरूर याद रखनी है उसके बाद हमने जो है न्यूक्लियर मेडिसिन, जिसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है एक तो न्यूक्लियर मेडिसिन होती क्या है और दूसरा ये कि उसके एग्जांपल्स क्या हैं, वो आपने याद लेने हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर रेडियोलॉजी नेक्स्ट इनशाला हम स्टार्ट करते हैं ऑनकोलॉजी इनशाला आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई विल कवर द जनरल सर्जरी इन द टेन डेज इनशाला सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर